नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और रेडियो सिटी पर आप देख रहे हैं बी ए चैंपियन। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मेरी जिंदगी में मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था और मेरा सब मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं अपने पैरों पे चल नहीं पाता था, भाग नहीं पाता था, ढंग से खड़ा नहीं हो पाता था। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, उसके बावजूद मेरी माँ ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आप किसी को प्रोत्साहन करते हैं तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वहाँ से ना सिर्फ मैं खड़ा हुआ, दौड़ा, भागा और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और आज आप सबके सामने बैठा हूँ। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि जिंदगी में एक प्रोत्साहन कितना जरूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में जाता था, मुश्किल से 12-13 साल का बच्चा। तो क्या था कि उसका गणित में, विज्ञान में, किसी भी उसमें उसका दिल नहीं लगता था। हमेशा टीचर उसकी कॉपी चेक करते और उसको सजा देते, पीछे बैठा देते और उसको बोलते कि आप आगे बैठना डिजर्व नहीं करते क्योंकि आप ना पढ़ते हैं ना कोई काम करते हैं, आगे वो बच्चे बैठेंगे जो कुछ काम करते हैं। और उसका मन सिर्फ लगता था इतिहास में, साहित्य में, और इतिहास साहित्य वहाँ पर वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते थे। तो वो बच्चा बिल्कुल, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, बिल्कुल वो खिन खिन हो चुका था। एक दिन उनके घर में डॉक्टर रॉबर्ट बंस आए, जो उस टाइम के महान कवि थे। उन्होंने देखा कि उनके घर में एक सुंदर सा चित्र था और चित्र के नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, तस्वीर के नीचे। वो उन लाइनों को देखकर हैरान रह गए। उसने पूछा कि लाइनें किसने लिखी हैं। अब वो बच्चा बिल्कुल अपना, उसका दिल कर रहा था कि बोले, मगर उसको डर लगा कि अगर मैं बोलता हूं तो मेरे परिवार वालों के साथ ही मुझे डांटेंगे क्योंकि वो इतना इनसिक्योर हो चुका था, सब उसको डीमोटिवेट कर रहे थे। फिर जब डॉक्टर ने पूछा, उस कवि ने पूछा कि ये किसने लिखी है, उस बच्चे ने उठ के आगे की पंक्तियां सुनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो बंस हैरान रह गए क्योंकि इतनी छोटी उम्र में साहित्य का, इतनी अच्छी कविता का मिश्रण उसने जिंदगी में पहली बार देखा। उसने उठा और उस बच्चे को गले से लगा लिया, बोला कि मैंने आप पहले ऐसे इंसान देखे हो, इतने बच्चे के इतनी छोटी उम्र में आपके पास ये मिश्रण है, आप आगे चल के एक दिन इस देश के महान इंसान बनोगे। वो बच्चा रोने लग गया और उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी दिन से उस बच्चे ने ठान लिया, अब वो सब दोस्तों के, टीचर के, सबके जवान, सबके जवाब बड़े कॉन्फिडेंस देने लग गया, सब बड़े आत्मविश्वास से सबके जवाब देने लग गया। और क्या हुआ कि आगे चल के वो बच्चा स्कॉटलैंड का सबसे महान इतिहासकार, साहित्यकार वोल्टर बना। तो देखिए दोस्तों, आपका एक छोटी सी दो लाइनें किसकी जिंदगी कैसे बदल सकती हैं। तो हमेशा आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। कहते हैं ना कि जिस पर जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है। तो रेडियो सिटी पर आप देख रहे थे बी ए चैंपियन, मेरे साथ यानी संग्राम सिंह के साथ। फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ, आप सबको मोटिवेट करने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए। नमस्ते।